एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा एक बहुत ही खास सेशन, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे पोर्शंस जो आपके करंट में कहीं ना कहीं चर्चे में रहे। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चंस पर डे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो करंट अपडेटेड डाटा के साथ होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि सरफराज अहमद किस खेल से संबंधित है। सरफराज अहमद ये किस खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट से संबंधित। सरफराज अहमद ये है पाकिस्तान के कैप्टन। ठीक है, सरफराज अहमद। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? ये है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी हैं वर्तमान में सी विद्यासागर राव। कौन है? सी विद्यासागर राव, ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि रिवर सेल नदी किस राज्य में है? रिवर सेल नदी ये किस राज्य में है? ये है गोवा में। ठीक है, किस राज्य में है? ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको PMJY के नाम से भी जाना जाता है, इसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके CEO कौन है? तो या तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलो या आयुष्मान भारत बोलो, दोनों एक ही है। तो इसके CEO कौन है ये आपको बताना है। तो ये है इंदु भूषण। तो आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इसके CEO कौन है। तो इसके CEO हैं इंदु भूषण। अगला क्वेश्चन है, शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? ये हैं क्रिकेट से। इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं शुभमन गिल। किस खेल से संबंधित है शुभमन गिल? ये संबंधित हैं क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में पनामा के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं जुआन कार्लोस वासेला। ये हैं पनामा के राष्ट्रपति कौन है? जुआन कार्लोस वासेला। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नासा, ये आप सभी जानते हो, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में, तो Washington DC में। ठीक है, Washington DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बहत। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? यह है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है बहत। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी कौन है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी हैं हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल, ये हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह पेरिस फ्रांस में। कहाँ यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये कौन है? ये है प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ये है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ग्रीस की राजधानी कहाँ है? यह है एथेंस में। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और ग्रीस की मुद्रा है यूरो। तो ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी है एथेंस और ग्रीस की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यह है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यह है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? यह है एच डी कुमार स्वामी, यह है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसके प्रधानमंत्री कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं TERI का मुख्यालय कहाँ है? TERI का मुख्यालय, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के महानिदेशक अभी कौन है? तो आईएलओ के महानिदेशक कौन है? यह है गाय राइडर। आईएलओ, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष अभी कौन है या इसका महानिदेशक अभी कौन है? यह है गाय राइडर। अगला क्वेश्चन है कि यूएई के राष्ट्रपति कौन है? यूएई, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। क्या है इनके राष्ट्रपति का नाम? खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये वहां के राष्ट्रपति या राजा हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, WHO का मुख्यालय कहाँ? यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि यूएई की राजधानी और मुद्रा क्या है? यूएई की राजधानी और मुद्रा, अभी ऊपर मैंने आपको बताया यूएई के राष्ट्रपति कौन है, अभी मैं आप बता रहा हूँ यूएई का राजधानी और मुद्रा। इसका राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा है क्या? दिरहम। क्या है मुद्रा? दिरहम। दिरहम यहाँ की मुद्रा और इसकी राजधानी है अबू धाबी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को यूएई और सऊदी अरब में कन्फ्यूजन होता है, तो सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है। तो सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और वहां की मुद्रा है रियाल, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं यूएई और सऊदी अरब, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है। यूएई इसकी राजधानी है अबू धाबी, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यूएई इसकी मुद्रा है दिरहम और सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान आप जानते हो हमारा पड़ोसी देश है और हमेशा कुछ ना कुछ करके चर्चे में बना रहता है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? यह है इमरान खान। अगला क्वेश्चन है कि गहीर माथा समुद्री अभ्यारण किस राज्य में स्थित है? गहीर माथा समुद्री अभ्यारण, गहीर माथा समुद्री अभ्यारण यह स्थित है ओडिशा में। कहाँ है गहीर माथा? गहीर माथा समुद्री अभ्यारण है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है कि नैयर वन्यजीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? नैयर वन्यजीव अभ्यारण, तो नैयर वन्यजीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? यह स्थित है केरल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नैयर वन्यजीव अभ्यारण, ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि ईरान का राष्ट्रपति अभी कौन है? तो देखो ईरान का जो भी चीज है, ईरान का राष्ट्रपति, ईरान का करेंसी, ईरान का कैपिटल, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ईरान का कैपिटल कहाँ है? यह तेहरान। ईरान का करेंसी क्या है? यह है रियाल, मैंने आपको बताया हुआ था। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ये भी ये है हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? यह है पिनरई विजयन। कौन है केरल के मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? देखो सारे का मैं फुल फॉर्म इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको छोड़ के मत आना, ठीक है। तो फीफा, फीफा आप जानते हो, लेकिन फीफा का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यह है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यह फीफा का फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ? यह है ज्यूरिक में। तो फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? यह भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आप अगर भूल गए तो आप फिर से एक बार देख लो। इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट यानी फीफा के अध्यक्ष। कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। और यहाँ का यानी फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के राज्यपाल अभी कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? यह है बेबी रानी मौर्य। कौन है उत्तराखंड के राज्यपाल? बेबी रानी मौर्य, यह है उत्तराखंड के राज्यपाल। और अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के दौरान भारत की खगोलीय सोसाइटी की स्थापना की गई थी? भारत की खगोलीय सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो यह हुआ था 1972 में। भारत की खगोलीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन का टारगेट था वो पूरा हुआ है। अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हुए थे कुछ अध्यक्ष से रिलेटेड, ठीक है, जो नियुक्तियां हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ठीक है, तो उसका अब बताऊंगा मैं सही आंसर। लेकिन जो इससे पहले जिसने भी उसका सही आंसर दिया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आगे के एग्जाम के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, गुड लक। और जिस किसी ने नहीं दिया है आप अब भी सीरियस हो जाओ, ठीक है। लास्ट डे, मैं बार बार बोलता हूँ, लास्ट एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आप नेट पे ढूंढते हो ना कि ये मुझे कुछ ऐसे जादू की छड़ी वाली चीज़ें मिल जाए जो दो दिन में मुझे सिलेक्शन दिला दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो
जिस किसी ने आंसर दिया, जैसे उनमें से कुछ हैं, जैसे श्वेता है, फिर हेमंत है, और उसके बाद फिर फिल्मी मी है, ठीक है, अशोक ने भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और रेस्ट जिसने भी आंसर नहीं किया है, आप अगले वीडियो में आंसर देने का कोशिश करो जो मैं पूछूं, ठीक है, क्योंकि जब आप आंसर देते हो ना आपको वो लंबा टाइम तक याद रहता है, और जिसको नहीं देना तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा उसका सही आंसर, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, और फिर आज मैं 5 क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ जिसका आपको कमेंट में सही आंसर बताने हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटरेक्शन बनता है और आपको पढ़ने में भी मजा आता है। तो चलिए देखते हैं उन 5 क्वेश्चन को जो मैंने कल आपको पूछे हुए थे। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें से पहला क्वेश्चन है कि आसियान के महासचिव का नाम बताएं। तो आसियान के अभी महासचिव कौन है ये आपको बताना है। तो आसियान के महासचिव कौन है, ये लिम जोंग हुई। कौन है? लिम जोंग हुई, ये है सही आंसर। आसियान के ये है महासचिव। अगला क्वेश्चन था कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, इसके राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये इसका सही आंसर है नंदन निलेकनी। क्या है सही आंसर? नंदन निलेकनी, ये है अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष। और तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिस्ट में था वो था कि भारतीय उद्योग परिसंघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ या CII, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और आपको ये बताना था कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। कौन है? विक्रम किर्लोस्कर, ये हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। और इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो है कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, UIDAI, इसके CEO कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो इसके CEO कौन है? इसके CEO है डॉक्टर अजय भूषण पांडे। कौन है? डॉक्टर अजय भूषण पांडे। और पांचवा क्वेश्चन जो आपके लिस्ट में था वो है कि विश्व मौसम संगठन यानी WMO, विश्व मौसम संगठन के महासचिव कौन हैं? तो ये मैंने आपसे पूछा हुआ था कि विश्व मौसम संगठन के महासचिव कौन है, तो ये हैं पोटरी तालास। कौन है? पोटरी तालास, ये हैं विश्व मौसम संगठन के महासचिव। और आज का जो आपका 5 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन है। यहां से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि SBM बैंक का फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको सर्च करना है अगर आप भूल गए हो तो, या पुराना वीडियोस को देखो, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा SBM बैंक क्या है। और इसके SBM बैंक इंडिया, आपको ये भी ध्यान देना है, SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये था 6 क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन जो आपके लिस्ट में, जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं, वो ये है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, यानी NGT के अध्यक्ष कौन है। NGT के अध्यक्ष मैंने 4-5 बार ये आपको बताया हुआ है, ठीक है, NGT के अध्यक्ष, और एग्जाम में भी अभी तक बहुत बार ये पूछ लिया गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष अभी कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। और 8th क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, और एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक मामलों के सचिव कौन है। क्या है क्वेश्चन? भारत के आर्थिक मामलों के सचिव, ये कौन है, ये आपको आंसर करना है। क्या है? भारत के आर्थिक मामलों के सचिव। और 10th नंबर क्वेश्चन है, और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, वो ये है कि भारत के एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष अभी कौन है। भारत के एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो गाइस, ये मैं 5-5 क्वेश्चन इसलिए डालता हूं ताकि आप डेली अपडेटेड रहो और डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। देखो, अगर किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट के पास, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उनसे अगर आप पूछो कि किस तरह से आप तैयारी करते हो, तो बस उनका एक ही चीज है, या तो वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GK हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस एक ही जो की पॉइंट होता है किसी का भी तैयारी का, वो ये होता है कि प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हो इस पे आपको एग्जाम में फाइनली रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप पर डे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट ऑब्वियस
एरिया से देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देखो, ये जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपका अध्यक्ष वगैरह नियुक्तियां वगैरह सब है, ये सब क्या है ना, ये सब आप भूल जाते हो या एग्जाम में जाके कन्फ्यूज जाते हो चार ऑप्शन में से कौन सा था। इस कारण से क्या है कि एक बार आपको याद करने से कोई फायदा है नहीं, आप जब तक इसको रिपीटेडली बार बार रिवाइज नहीं करोगे आपको कोई फायदा नहीं है, कहीं पर कोई ट्रिक काम नहीं आएगा एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या टारगेट है, मैं पांच पांच आपको डेली रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दो दिन आप अगर एक ही चीज लगातार देखते हो तो आपको ये याद हो जाएगा। और लास्ट में एग्जाम से पहले हमारे लिस्ट में जितना भी आएगा इसको मैं फिर से एक बार पूरे को रिवाइज करवा दूंगा, मैं खुद से इसको करवा दूंगा एक ही वीडियो में टोटल। वहां पे क्या होगा, वहां अगर कोई भूल भी गया हो कुछ तो वो याद हो जाएगा, लेकिन वो बेनिफिशियल उसी के लिए होगा जो पर डे इस सेशन को ले रहा है और पर डे जो अच्छे से आंसर कर रहा है, ठीक है। यानी उसको यहाँ पे मेहनत अभी से करना है, लास्ट मोमेंट में जाके नहीं, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं सबका एक साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा क्योंकि उससे आपका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करो और कल फिर से हम लोग मिलते हैं, कल फिर से एक बार इन सारे पांचों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।